एवन पंजाबी की हर खबर हर प्रोग्राम को देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे प्रोग्राम की हर अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत बोर्ड ने ऐसी पंचायतों को सम्मानित किया है जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में भिवानी की पंचायत व युवा क्लब को सम्मानित किया गया। बोर्ड का मानना है कि इस तरह की मुहिम भविष्य में भी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने में अहम भूमिका अदा करेगी, साथ ही अन्य पंचायतों में भी इस तरह का कार्य करेगी। बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि फिलहाल भिवानी की कुछ पंचायतें में युवा क्लब सम्मानित किए गए हैं। जिले के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि श्री भगवान जी प्रतिनिधि है जो नकल करते हुए उनके ऊपर बाहर के कुछ लोगों ने आक्रमण किया था, वो एडमिट रहे थे, उनको आज बोर्ड में बुलाकर के सम्मानित किया गया, प्रशंसा पत्र दिया और एक टोकन के रूप में कुछ राशि भी दी। इसी प्रकार बहल एकता क्लब ने, बहल में तीन सेंटर थे, हमारे तीनों सेंटरों पर नकल रोधी अभियान चलाने के लिए अपने युवाओं को खड़ा किया, युवाओं बहनों को भी खड़ा किया, भाइयों को भी खड़ा किया। उनके प्रतिनिधि आज योगेश शर्मा जी को बुलाकर के बोर्ड में सम्मानित किया गया। और इसी प्रकार हमारे बोर्ड के सचिव श्री राजीव प्रसाद जी हैं, उनके साथ जो गनमैन मिले हुए थे, एक श्री हेड कांस्टेबल रवि कुमार जी और दूसरे जितेंद्र सिंह जी कांस्टेबल, उनको भी आज सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने जो नकल करने वाले ग्रुप थे, इस प्रकार के इम्पोसेशन केस थे, उनको पकड़ने लेते डेढ़ डेढ़ किलोमीटर तक की रेस भी लगाई और फिर उनको पकड़ करके FIR दर्ज कराई और उनको पुलिस को सुपुर्द किया, उनको भी आज बोर्ड में बुला करके सम्मानित किया। ये आज भिवानी जिले का केस था, बाकी पूरे प्रांत भर में इसका हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ सुपरवाइजर, कुछ ऑब्जर्वर, कुछ इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने इस प्रकार के केस बनाए हैं नकल के केस, उनको भी बोर्ड में बुलाकर सम्मानित किया गया। बोर्ड का ये गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है, उसमें बोर्ड ने बहुत सारे काम करने का निर्धारित किया हुआ है, उसमें से एक काम ये भी था। इस प्रकार से राकेश समृद्धि वार्ड, सुशीला समृद्धि वार्ड, प्रत्येक जिले में नकल रोको अभियान में जिन्होंने हमारा साथ दिया उन अध्यापक बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा।